मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरेता। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज है 1 जनवरी, तो इसका शॉर्ट वीडियो आप लोग देख चुके हो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सबका जो ये साल है मंगलमय हो, सबका सब कुछ विशेष पूरा हो। और ये हम लोग अभी होटल से निकलने वाले हैं। मैं यहाँ पे गार्डन एरिया में बैठी हूँ, गाड़ी में सब पैकिंग कर रहे हैं सारा सामान। और आज 1 तारीख में, जैसे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, हम लोग पूरी मंदिर दर्शन कर चुके थे, फिर रात को सी बीच गए, मॉर्निंग में भी सी बीच गए। अभी हम लोग जा रहे हैं मंगला माँ के पास, जो है काकटपुर माँ मंगला। मैं लास्ट टाइम जब पूरी आई थी तो वहाँ पे हम लोग गए थे। बहुत साउंड आ रहा है क्योंकि यहीं से ही बहुत गाड़ी जा रहा है, इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। और हम लोग बस वहीं पे माता रानी को दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे आगे। तो रास्ते में क्या क्या होता है और आज का पहला दिन हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी पूरे फैमिली के साथ। तो आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेंगे सीधा सुंदरगढ़ जाएंगे। तो चलिए ये वाला ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, रास्ते में फिर मिलते हैं। और ये फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं होटल से और रास्ते में जाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। तो ये मंदिर जो है पुरी में ही है और वही सी बीच के पास ही है, थोड़ा अलग डायरेक्शन में है। तो बेड़ी हनुमान बोलते हैं, ये है उनका मंदिर। मतलब मैं पापा के साथ, दीदी, मैं, मम्मी, हम सब कोई आए थे यहाँ पर 1998 में, जब मैं क्लास 8 में थी तब आए थे और यहाँ पर बेड़ी हनुमान जी का दर्शन किए थे। अभी थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर बहुत सारा शॉप बन गया है। पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी सारा शॉप है बाहर, आप यहाँ से बहुत कुछ सामान ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। पर अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था, प्राइस वाइज भी ठीक लगा रहे थे ये लोग। तो चलिए, मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते, बाहर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। छोटा सा मंदिर है ये, तो अंदर जो हनुमान जी हैं उनको तो पूरा नहीं दिखाए, वो शूट करने के लिए मना किए तो मैं और नहीं की। फिर हम वहाँ से बाहर आए और ये रास्ते में वहीं पर ही सामने आलूदम दही बड़ा जो है वो खाए, क्योंकि मंदिर दर्शन नहीं किए थे हम लोग, कुछ खाना नहीं खाए थे। और फिर ये हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते में। तो ये रास्ते से होते हुए जाते हुए ये पहुंच गए हैं इको रिट्रीट। बहुत ही सुंदर व्यू था और इतना भीड़ था मत बोलिए, क्योंकि 1 जनवरी है। तो आप गाड़ी का देख सकते हो कितना लंबा लाइन लगा है, सबको यहाँ पे नहा के आगे चेंज कर रहे थे और इको रिट्रीट का मज़ा ले रहे थे। हम लोग यहाँ पे और नहीं उतरे क्योंकि हम लोग को देरी हो जाता, तो बस हम लोग थोड़ा सा उतर के ये यहाँ का थोड़ा सा व्यू शूट कर लिए। मैं तो गाड़ी से भी नहीं उतरी, मिस्टर पुरोहित उतरे थे और बाकी सब कोई भी भैया लोग सब कोई उतर के थोड़ा सा देख रहे थे। लास्ट टाइम बच्चे लोगों के साथ हम सब यहाँ पर आए थे और इको रिट्रीट का मज़ा उठा थे हम लोग जो किए थे। इस बार बहुत जन कर रहे हैं यहाँ पे, जो बोटिंग है बहुत मज़ा आया था बोटिंग में, पूरा गीला हो गए थे हम लोग और बहुत ही मस्ती किए थे, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, आप लोग भी यहाँ का नज़ारा देख के खुश हो जाइए। वहाँ से सीधा आके पहुँच गए हैं चंद्रभागा बीच में, यहाँ पे पास में ही है, वहाँ से ये उतना डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए, ये जा रहे हैं मिस्टर पुरोहित, मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। और ये देखिए बीच, यहाँ पे भी आप बहुत सारा गाड़ी वाड़ी बहुत है, बहुत लोग नहा भी रहे थे, बहुत मस्त है, बहुत सारा नाव जा रहा था, देखिए बोट सब बहुत जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा घूमे और क्या किए वो आगे दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ से जब हम देख रहे थे तो मुझे एक चीज़
दिखा। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ वो चीज़। तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी तो वो वाला दिखा मुझे, बहुत ही मस्त लग रहा था। तो ये देखिए क्या दिखा मुझे, काइट बटरफ्लाई वाला, बहुत सुंदर से उड़ रहा था, बहुत मस्त हवा चलता है ना बीच के पास, तो ये काइट वाइट भी बहुत अच्छे से उड़ता है, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये आ गए हम पीने के लिए नारियल का पानी, जो कि बहुत ही फेमस है इधर। और यहाँ पे बहुत, सबको तो पता है कि नारियल का पानी सब जगह पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिलता है। और प्राइस वाइज भी कम नहीं है, 50 रुपीज़ था एक पीस का, 50 रुपीज़ लिया, वो सब पिए हम लोग यहाँ पे। और वही यहाँ पे भी, मतलब सुंदरगढ़ में सब जगह पे आजकल 50 रुपीज़ ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50 और वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा, जी नहीं। और वहाँ पे नारियल भी निकाल के दिए खाने के लिए अंदर वाला, तो पानी पिए नारियल खाए और फिर हम लोग आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो सबको थोड़ा सा आइसक्रीम का मज़ा लिए, क्योंकि मस्त थोड़ा थोड़ा, मतलब ठंडा ठंडा दिन है सर्दियों का, लेकिन सर्दियों में आइसक्रीम का मज़ा लेना कुछ अलग ही बात है, और जब धूप हो रहा हो, ठीक है। और ये मिस्टर पुरोहित खाए, फिर मैं थोड़ा सा खाई, और ये मेरा फेवरेट वाला चॉकलेट आइसक्रीम। वैसे तो मैं आइसक्रीम नहीं खाती, आप लोग देखे होंगे, पर जब भी खाती हूँ तो ये चॉकलेट वाला ही मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है डार्क चॉकलेट वाला जो। और यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्स उठाए थे मेरे बच्चे लोगों के साथ, मिस्टर पुरोहित के साथ। और ये हम लोग निकल पड़े फिर वहाँ से सीधा, हम लोग और कोणार्क नहीं जाएंगे, लेकिन कोणार्क के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हम लोग जा चुके हैं और रास्ता पूछ रहे हैं एक भैया को, तो वो बता रहे हैं यहाँ से जाके टर्न करके आप आगे जाओ। तो ये जा रहे हैं हम काकटपुर मंगोला माँ के पास, क्योंकि 1 तारीख को हमें उनको दर्शन करना था, 1 जनवरी को, इसीलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ आप वो गांव में, और यहाँ पे जो साइड में जो गांव है, मैं सबका कुछ वीडियो शूट किया, वो सब आप देखते हुए आगे बढ़िए मेरे साथ। और ये आके हम लोग पहुँच गए माता रानी के मंदिर। ये देखिए, ये है मंदिर। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, लेकिन हम इवनिंग में आए थे, इस बार हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए, तो अच्छा लगता है। दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा भीड़ कम था, लेकिन मॉर्निंग से बोल रहे थे वहाँ पे बहुत ही भीड़ था, बहुत ही भीड़ था। तो मैं बाबू के साथ बाहर एक दो फ़ोटो उठाई, मिस्टर पुरोहित लोग पूजा का सामान लाने गए थे। और ये आके हम लोग बाहर बैठे हैं मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग ये पूजा करके आके बैठे थे, क्योंकि अंदर भी तो मना है ना वीडियो शूट करना। और यहाँ पे देखिए गाड़ी वाड़ी पूजा हो रहा है, बहुत लोग आए थे यहाँ पे। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर भी मिले, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, वो भुवनेश्वर से हैं, वो मुझे बात किए कि आप लोग वीडियो बनाते हो ना, हाँ मैं आपका वीडियो देखती हूँ, तो बस उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी सी थी। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो शूट किए थे,
से बाहर आने के बाद पीछे तरफ मंदिर दिख रहा है आपको, तो सबका फ़ोटो मैं उठाई, हम लोग का भी फ़ोटो उठाए। दीदी मेरा और स्वाति का ड्रेस सेम है, वेलवेट वाला ड्रेस है ये, तो आज 1 जनवरी को पहनेंगे बोल के स्पेशली हम लोग बनाए थे ये वाला ड्रेस। और यहाँ से पूजा सामान सब लेके गए थे, बहुत सारा चूड़ी सिंदूर सब कुछ मतलब मिलता है यहाँ पे। और वहाँ से दर्शन करके थोड़ा सा काकटपुर मंगला से आगे आओगे ना तो ये वाला एक होटल है, तो यहाँ पे हम लोग खाना खाए ये रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट तो नहीं खाए, एक रूम में वो भैया खोल दिए और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि हम लोग 3:30-4 बजे करीब पहुँचे थे, तो बहुत अच्छे से केयरफुली यहाँ पे खाना बना के हमको खिलाए, तो बहुत फ्रेश था खाना। और ये सीधा आके हम लोग पहुँच गए हैं आर्तबंधु साहू, बहुत ही फेमस मिठाई का दुकान यहाँ पे आके। और यहाँ से हमें ये निमापड़ा में है, और यहाँ से हमें मिठाई लेना था, बहुत ही स्पेशल मिठाई। स्मिता और भैया बोले थे कि भैया का यहाँ पे फेवरेट वाला मिठाई, लास्ट टाइम भी आए थे जब हम सब आए थे तो यहाँ से वो लोग मिठाई लेके गए थे, तो मिस्टर पुरोहित उनके लिए स्पेशली यहाँ से मिठाई लेके गए हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे मिठाई का। ये देखिए छेना झिल्ली जो बोलते हैं ना, वही वाला मिठाई है, और यहाँ का बहुत ही फेमस है। हम लोग आते हुए यहाँ पर जो पूछे कि वो फेमस मिठाई का शॉप कहाँ है, तो लोग तुरंत बता दिए कि ऐसे जाओ ऐसे करके आर्तत्राण, वही जो शॉप का नाम लिखा था कि आर्तबंधु है ना, तो वही उनका शॉप है, बहुत ही पुराना शॉप है और बहुत ही फेमस है। और एक मिठाई को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, कैसा लग रहा है, मतलब फ्रेश है या नहीं, वो भी तो ख़त्म ही हो चुका था और बिल्कुल नहीं था वो, चलो मिल गया बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से मिठाई विठाई लेके हम लोग फिर आगे बढ़े, और रात में मैं और शूट नहीं की, बहुत थक गए थे हम लोग। और ये पहुँच चुके हैं ढाबा में, और यहाँ पर लास्ट टाइम भी हम लोग खाए थे और इस बार भी यहीं पर ही रुके वो वाले भैया, मतलब ड्राइवर भैया, क्योंकि उन लोग को पता है कौन सा रेस्टोरेंट कौन सा होटल अच्छा होता है, ये फैमिली वाला है युवराज ढाबा। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, अंदर खाना वाना खाएंगे। हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स ऑर्डर किया, जैसे ये था क्या, कॉर्न स्वीट कॉर्न, और ये चिली पनीर, और उसके बाद मंगाए थे हम लोग पनीर पकौड़ा। तो ये थोड़ा थोड़ा खाए, एक एक पीस दो दो पीस बस थोड़ा सा टेस्ट किए, क्योंकि हम लोग बैठे थे वैसे ही। और ये खाना आ गया, खाना में इतना बड़ा बड़ा चपाती था, और ये एक एक चपाती खाओगे तो पेट भर जाएगा। और सब्जी, ढेर सारा सब्जी, मिक्स वेज दाल एंड पनीर मंगाए थे, जो कोई जो खाएगा उसके हिसाब से। और ये मैं तीनों का थोड़ा थोड़ा ली और खाई, और ये बहुत थक गए थे, मैं अपना सारा ज्वेलरी भी निकाल के पर्स में डाल दी थी, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी में पहनोगे ना तो बहुत ही हैवी लगता है। और ये अभी यहाँ से निकलेंगे, और मेरे साथ कौन है देखिए, ये देखिए ये भैया भी हैं, अपना अपना रस मतलब रात को वो घूम रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है ये भैया, 10 बज चुका था। तो फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो ये हमारा टूर ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स था, मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी, और इसके बाद और मैं कुछ वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।